Question number 4, exercise 10.2. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. आपसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है There is a circle और ये सर्कल में डायमीटर सीधी सी बात है अगर ये डायमीटर है तो ये सेंटर से पास हो रहा है यस और नो तो वी हैव ए डायमीटर ए बी आपसे कह रहा है प्रूव करिए टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर सर इधर टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर तो डायमीटर का एक एंड पॉइंट ये है बेटा यहाँ आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया और फिर आपने एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया है तो हमसे कह रहा है ये शो करो दीज आर पैरेलल देयर इज अ टेंजेंट पी क्यू अनदर इज आर एस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए एंड बी वेयर ए बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर शो दैट दीज टू टेंजेंट्स विल बी पैरेलल तो व्हाट इज गिवन इन अ सर्कल सी ओ आर ए बी इज अ डायमीटर यस पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट्स थ्रो ए एंड बी यस और नो आपको प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ करना है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस ठीक है अब प्लीज़ आप लोग इधर देखिए जब भी हमें लाइंस को प्रूफ करना होता है पैरेलल टू प्रूफ टू लाइंस आर पैरेलल आपके पास तीन पॉसिबिलिटी हैं बेसिकली क्या होता है हमारे पास एक ट्रांसवर्सल रे होती है ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो आपके पास थ्री टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं वन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अनदर इज ऑल्टरनेट एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर एंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर तो अगर आप ये प्रूव कर दें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल सो लाइन्स आर और ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल सो लाइन आर पैरेलल और द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर इज 180 सो लाइन्स आर याद है कुछ अगर आपको लाइन्स को पैरेलल करना है तो इन तीन में से एक चीज़ करनी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल या कॉन्सिक्यूटिव का सम 180 ये आपको सिर्फ इतना सा करना है यस और नो अब ये तो हमने लाइंस को पैरेलल करने के लिए किया है लेकिन आपने ये कल पढ़ा था कि टेंजेंट में जो हमारे पास हम टेंजेंट कर रहे थे हमने दो थ्योरम करी हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट अभी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो ये आपने पढ़ा है ज़रा वन बाई वन यहाँ देखो आप जब आप ये कह रहे हो कि इट इज़ अ डायमीटर इट मीन इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर तो इट मीन्स ओ ए इज रेडियस ओ एज तो रेडियस है तो परपेंडिकुलर तो क्या आप ये कह सकते हो कि दिस एंगल इज 90 कह सकते हो नहीं कह सकते अच्छा इसी तरह से आप ओ बी को क्या कहोगे रेडियस ओ बी इज ए रेडियस अगर ओ बी रेडियस है तो आप इस एंगल को कह सकते हो तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 तो ये दोनों इक्वल हो गए बट एक लाइन के इधर है एक इधर है तो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस इतना सा लिखना समझ में आ गया तो कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं आप यहाँ लिख दीजिए रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट At point of ठीक है so angle 1 is equals to ठीक है ये आप
डिटेल्स में लिखना चाहें तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू सी पी. सो एंगल वन इज एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस. ओ बी कहाँ पे बेटे? आर एस. सो एंगल वन इक्वल्स टू दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर पी क्यू एंड आर एस. सो पी क्यू इज पैरेलल टू यस नॉट टू तीनों प्रॉपर्टी हो सकती है बेटे.